तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख पाएंगे कि किस लाभार्थी को अभी आपने यहाँ पे माइग्रेट किया है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी लाभार्थी को माइग्रेट कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि गर्भवती महिला से धात्री महिला में कैसे भेजना है। इसके रिगार्डिंग आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अब नए अपडेट में काम कर रहा है, तो अब आप लोगों को गलती नहीं करनी है। जो पुराना वाला प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है नए अपडेट के बाद। तो चलिए लाभार्थियों को माइग्रेट कैसे करना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा ताकि आप आसानी से किसी भी लाभार्थी को माइग्रेट कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे जिस भी लाभार्थी को माइग्रेट करना है उस लाभार्थी के 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर ऑप्शन जो है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इमेज के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार से आप किसी भी लाभार्थी को माइग्रेट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर भरनी होती है। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि डेट ऑफ डिलीवरी डालना है, जैसे कि उस लाभार्थी का जो डिलीवरी हुआ है उसका डेट आप लोगों को यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहा है कि जिस लाभार्थी का डिलीवरी हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है या अदर हॉस्पिटल कहीं हुआ है, उसके लिए 2 ऑप्शन है, होम और इंस्टीट्यूशनल। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर लाभार्थी का जो डिलीवरी है हॉस्पिटल वगैरह में होता है तो आप लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का जेंडर क्या है वो पूछ रहा है, तो जो भी बच्चे का जन्म हुआ है उसका जेंडर आप लोग यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस बच्चे का आप लोगों को यहाँ पे हाइट और वेट डालनी है। जो भी बच्चे का जन्म हुआ है उसका हाइट कितना है आप लोग यहाँ पे नोट किए होंगे अपने रजिस्टर में, तो उसको आप लोग यहाँ पे डाल लेंगे। तो चलिए हम उसका यहाँ पे वेट डाल देते हैं 2.5 kg, और उसका जो हाइट है वो 49 cm है। तो आप लोग जो भी हाइट वगैरह डालेंगे वो सेंटीमीटर में ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है नोट में कि यू विल नीड टू क्रिएट ए न्यू बॉर्न चाइल्ड प्रोफाइल इन द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू फिनिश द माइग्रेशन प्रोसेस। यानी कि ये बोल रहा है कि अब आप लोग जब भी किसी लाभार्थी को माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करने से पहले ही आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चे का जन्म हुआ है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को भरनी है। पहले क्या था कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी लाभार्थी को माइग्रेट करते थे तो प्रोसीड करके जो कंफर्मेशन मैसेज आता था तो उस पर आप लोग क्लिक करके उसको माइग्रेट कर देते थे और बच्चे का जो डिटेल्स है वो बाद में भी भरते थे। तो अब ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं देगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, जो बच्चे का डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स भर लेनी है, तभी जो लाभार्थी है वो माइग्रेट हो पाएगा। पहले कुछ और नियम था लेकिन अब यहाँ पर जो नया नियम है इस प्रकार से लागू किया गया है, अब बच्चे का डिटेल्स वगैरह भर के ही आप लोगों को माइग्रेट करना है। ठीक है, तो ये नया ऑप्शन आप लोगों को नया बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे, और जो भी स्टार मार्क आप लोग देख रहे हैं इसको भरना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, तो जो बच्चे का आधार नंबर हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये बच्चा छोटा है इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को हाइड कर दिया गया है। उसके जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माता का आधार है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पे आधार वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ माता का यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, जो आपने अभी यहाँ पे डिटेल्स ऐड किया है वो सारा डिटेल्स आप लोग देख पाएंगे। बच्चे का जन्म तिथि, बच्चे का मेल फीमेल, यहाँ पे बच्चे का फादर का नाम आ गया, माता का नाम आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे का कैटेगरी है, जैसे कि वो लाभार्थी जो है ये बच्चा जो है किस कैटेगरी से आता है, लोगों को यहाँ पे SC और ST और अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जो भी कैटेगरी हो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने अभी हाइट और वेट डाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि जो लाभार्थी या जो बच्चा है वो परमानेंट इस एड्रेस पे रह रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे परमानेंट वाले पे क्लिक करना है। अगर टेम्परेरी रह रहा है तो टेम्परेरी वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग परमानेंट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिया है, बच्चे का जो हिंदी में नाम है वो भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स भरने के बाद जब आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो जो लाभार्थी है यानी गर्भवती से धात्री में यहाँ पे आसानी से माइग्रेट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख पाएंगे कि किस लाभार्थी को अभी आपने यहाँ पे माइग्रेट किया है। तो कांति देवी को हमने यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी में भेजा है। जो नाम हमने ऐड किया है वो नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस कैटेगरी में भेजा गया है तो 0 से 6 मंथ वाली कैटेगरी में यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप लोग किसी भी लाभार्थी को माइग्रेट आसानी से कर सकते हैं। जो भी हमने आपको डिटेल्स बताया उसी प्रकार से आप लोगों को माइग्रेट करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जो हमने लाभार्थी को माइग्रेट किया है उसको हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि उस लाभार्थी का नाम यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको प्रेग्नेंट वुमेन वाली कैटेगरी में वो लाभार्थी आई है या नहीं आई है, ठीक है। अभी आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे 7 जो लाभार्थी है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 8 लाभार्थी पहले भी था, हटने के बाद भी 8 लाभार्थी दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिससे कि जो लाभार्थी है वो हमारे कैटेगरी में आ जाए। तो देखिए अभी हम आपके सामने ही रिफ्रेश कर रहे हैं तो देख सकते हैं जो भी लाभार्थी को हमने माइग्रेट किया था वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से वो लाभार्थी हट चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का भी डिटेल्स आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी लाभार्थी है उसको आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।